मुझे लगा कि कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन बेटा बेटी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए संभल करके एक योजना बनाई और उसमें तय किया कि हमारे बेटा बेटी जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनती है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अब अभी हमने एमबीए करने वाले शुभम के पिताजी से बात की, 11,54,500 रुपया फीस, हम माता पिता नहीं भरवा सकते। मेरे मन में तब ये विचार आया कैसी योजना बनाऊं कि जिसके कारण जिन बच्चों में टैलेंट है वो पैसे के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो पाए। उसने तय किया मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो। हमारे कई बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, केवल सरकारी नहीं प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी 7-6 लाख रुपया साल है। वो फीस बच्चे नहीं भरवा, उनके माता पिता नहीं भरवा सकते थे, इसलिए हमने तय किया कि ये फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेरिट में 1.5 लाख तक जिन बच्चों का नंबर लगता है प्राइवेट की भी पूरी फीस भरवाते हैं। ये सब चीजें इसलिए, सामान्य भी बीएससी कर रहे हैं, कोई बाकी पढ़ाई कर रहे हैं,